ये देखिए मैंने गुड़हल की कटिंग एयर लेयरिंग की सहायता से लगाया हुआ है और अब इसमें बहुत सारे रूट्स जो है वो बन गए हैं। तो मैं इस वीडियो में वही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसको किस तरह से लगाया हुआ था। तो मैं सारा प्रोसेस से इस वीडियो में बताऊंगी जिस तरह से मैंने इसको लगाया था। तो इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में। तो सबसे पहले हमको ले लेना है एलोवेरा, एलोवेरा की पत्ती, उसको छोटा छोटा हमको टुकड़ा काट लेना है इस तरह से, और थोड़ा सा मिट्टी ले लेनी है। और एलोवेरा का टुकड़ा छोटा छोटा काट के और मिट्टी दोनों को एक में मिला लेना है। तो इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। एलोवेरा का टुकड़ा डालने से ये रहेगा कि उसमें फंगस नहीं लगने पाएगा, ये रूटिंग हॉर्मोन्स का काम करेगा। आप चाहो तो कोई फंगिसाइड भी डाल सकते हो, बट मैं एलोवेरा का टुकड़ा ही डाल लेती हूँ। और इसको इस तरह से खूब बढ़िया से मिट्टी और एलोवेरा दोनों को मिला लेना है। और इसके लिए मैंने एक पट्टी लिया हुआ है, उसमें मैं इसको रख लूँगी। और खूब अच्छे से मिलाइएगा जिससे पूरा बढ़िया से मिट्टी में मिल जाए। और उसके लिए फिर मैं ये देखिए पट्टी लिया हुआ है, और पट्टी में मैं थोड़ा सा मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि पट्टी रहेगी तो इसके बाहर जो है वो रूट निकल सकेगी, बाद में इसको हमें निकालना नहीं पड़ेगा। और अगर हम मोटा कपड़ा लेंगे या फिर और कुछ लेंगे तो उसको हटाना पड़ेगा, तो रूट से जो है वो टूटने की डर रहती है, तो इसको हटाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से देखिए हमने मिट्टी इस पे रख लिया है, और अब हम डाली को थोड़ा सा कट लगाएंगे दोनों तरफ से। और ध्यान रखने की बात है कि जिस भी प्लांट में हमें एयर लेयरिंग करना है वो प्लांट हमारा करीबन एक दो साल पुराना ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो अगर जल्दी का प्लांट रहेगा तो उसमें रूट्स नहीं आती हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से थोड़ा बिलेट की मदद से कट लगा रही हूँ, तो इसी तरह से आपको भी कट लगाना है। वैसे गुलाब गुड़हल की डाली तो आसानी से चल जाती है, लेकिन जिन लोगों से नहीं चलती है या कभी कभी कोई कंडीशन में नहीं चलती है, तो उसके लिए आप एयर लेयरिंग का सहायता ले सकते हैं। और एयर लेयरिंग करने से ये रहता है कि प्लांट जो है बड़ा सा जल्दी तैयार हो जाता है। हम जितनी बड़ी डाली में कट लगाएंगे, जितनी बड़ी डाली में हम बनाएंगे, तो उतना बड़ा प्लांट हमारा तुरंत तैयार हो जाएगा एक महीने में, एक डेढ़ महीने में, क्योंकि उसमें पूरा रूट्स जो है वो बन जाती हैं, फिर वो अच्छे से प्लांट सर्वाइव हो जाता है, उसके सूखने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देना है, यहाँ से रूट्स जो है वो निकलेगी। तो आप चाहो तो गुड़हल के प्लांट, कनेर के प्लांट, गुलाब के, और इस तरह से जो भी डाली से लगने वाला प्लांट है, सारे प्लांट में आप एयर लेयरिंग करके आप प्लांट को लगा सकते हो। ये देखिए इतना कट हमको ऊपर लगाना है और इतना ही कट नीचे से भी लगाना है, और बीच में ये जो छिलका दिख रहा है इतना हमें छोड़ देना है।
कर रहे। ये देखिए दोनों तरफ से इतना इतना कट लगा देने के बाद फिर हमें इस पर एलोवेरा लगा देना है। एलोवेरा की पत्ती का रस जो निकलता है वही आप इस पर लगा दीजिए। आप चाहो तो कोई फंगिसाइड भी लगा दीजिए, लेकिन मैंने एलोवेरा ही लगाया हुआ है। और इस तरह से थोड़ा साइड साइड और लगा दीजिए। और फिर जो हमने मिट्टी तैयार किया है इस पर हम लगा के बांध देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे लपेटना है, और लपेटने के बाद दूसरा किसी कपड़े से हम बांधेंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से करना है। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती है, बस काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। काटने के लिए थोड़ा ब्लेड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और इस तरह से हमें लपेट देना है। और ये कॉटन का कपड़ा है, पट्टी है, कॉटन है पूरा, तो इसको हमें हटाना भी नहीं पड़ेगा। और इसमें देखिए जाली बनी रहती है, तो रूट्स जो है वो अच्छे से निकल जाएंगी, तो इसलिए हमने पट्टी का यूज किया हुआ है। आप चाहो तो जो कॉटन का पतला वाला कपड़ा होता है जिसमें बड़े बड़ा जाली बनी रहती है उसका भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इसे अच्छे से बहुत बढ़िया से लपेट देना है, और फिर उसके बाद ये 1-1.5 महीने बाद इसमें बढ़िया रूट्स बन जाएंगी। आप 1-1.5 महीने के बाद ही इसको निकालिए, जितना ज़्यादा दिन तक रहेगा उतनी अच्छी रूट्स जो हो बन जाएगी। और इस तरह से बढ़िया से लपेटने के बाद फिर हमको इसमें गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद हम इसको बढ़िया से भिगो देंगे, और भिगोने के बाद फिर हम इसे और किसी और चीज़ से फिर थोड़ा सा लपेट देंगे, क्योंकि ये धूप में रहेगा तो वो सूखने ना पाए। आप इस पर चाहे कोई पन्नी लपेट दो या फिर कोई भी कपड़ा आप लपेट दो, क्योंकि अगर ये सूखता रहेगा तो इसमें रूट्स नहीं बन पाएंगी बढ़िया से। तो इसको आप बढ़िया से मॉइस्चर बनाए रखो। तो ये जो सामान उमान लाने वाला थैला होता है सफ़ेद वाला, उसी से मैं इस तरह से थोड़ा सा लपेट दे रही हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है वो धूप नहीं लगने पाएगी। तो इस तरह से मैं इसको गांठ लगा देती हूँ, और गांठ लगा देने के बाद इसी तरह से इसको मैं रहने दूँगी। तो आप भी इस तरह से गुड़हल का प्लांट चाहे जब चाहे जिस मौसम में आप लगा सकते हो। और आप 2-3 दिन के अंतराल पर थोड़ा सा इसे भिगोते रहिए, ये पूरा सूखने ना पाए। तो इस तरह से मैं इसको 2-3 दिन के अंतराल पर इसको भिगोती रहती हूँ। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो आप डेली इस तरह से इसे भिगोते रहिए, बस ये सूखने ना पाए। और अगर आपका प्लांट छाया में रखा हुआ है तो आप 2-3 दिन के बाद ही भिगोइए। तो और उसके बाद फिर और इसको एकदम बढ़िया से भिगोइएगा कि पूरा बढ़िया से भीग जाए। और फिर 1 महीने के बाद का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ये देखिए 1 महीने के बाद का रिजल्ट है, और 1 महीने बाद मैंने इसको खोला और फिर दूसरी जगह इसको मैं कट करके शिफ्ट किया, और इसमें बहुत अच्छी रूट्स जो है वो तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से जो है वो रूट बन गई है इसमें। और इधर देखिए,
इसके अंदर भी बनी होंगी बहुत सारे रूट्स। देखिए नीचे से कपड़े के अंदर से जो है वो निकल गई हैं, तो मैं इसका कपड़ा तो नहीं हटाऊंगी, मैं इसी तरह से इसको लगा दूंगी, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा पूरी तरह से सड़ जाएगा, कुछ दिनों तक मिट्टी में रहेगा। और अब हमें इस तरह से इसकी डाली को कट करके लगाना है। तो ये मुझसे काटते नहीं बन रहा था, मैंने बहुत कोशिश की काटने की तो ये मुझसे तो कट नहीं रहा था, क्योंकि डाली जो है वो बहुत मोटी थी, तो मैंने इसे काटने की तो बहुत कोशिश की लेकिन कट नहीं रहा था। फिर मैंने इनसे कहा काटने के लिए तो काट दिए थे। डाली जो है बहुत तो मोटी है ना, तो उसी से ये काटने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग किसी तरह से इसको कट किए, और ये देखिए इधर से निकल गया यहाँ से। और ये खाद वाद डालने में थोड़ा दिक्कत कर रहा था, ये डाली कर रही थी, तो इसे निकालना मुझे ज़रूरी लगा। और ये बहुत बड़ी डाली थी जिसमें मैंने एयर लेयरिंग की है। ये देखिए कितनी बढ़िया रूट्स जो वो तैयार हुई है, पट्टी के नीचे से रूट्स निकलने लगी है, और ये देखिए कितनी बड़ी सी है। और मैं अब इसमें कलियां भी बनी हैं दो चार, और ये कलियां भी अब सूखेंगी नहीं, ये सारी कलियां भी खिल जाएंगी। मैं इसका अपडेट कुछ दिन के बाद मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और अभी तो मैं बता दे रही हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। तो ये हमने ग्रो बैग तैयार किया हुआ है, ग्रो बैग में मिट्टी भी भर दिया है, और मिट्टी हमने नॉर्मल ही ली है, बस उसमें गोबर की खाद और मिट्टी है, और थोड़ा सा उसमें हमने फंगिसाइड मिलाया हुआ है और धान की भूसी मिलाया हुआ है, और अब मैं उसी में इसको लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, और इस मिट्टी में रख के और फिर इसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे, इसका कपड़ा हम नहीं हटाएंगे, ये कपड़ा उसी में बढ़िया से वो सड़ जाएगा, कॉटन का कपड़ा वैसे भी सड़ जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। तो आप लोग भी चाहो तो इस तरह से गुड़हल की कटिंग हो या फिर जो भी प्लांट कटिंग से लगने वाले हैं, वो प्लांट आप इस तरह से एयर लेयरिंग की सहायता से लगा सकते हो। और अब हम इसके किनारे किनारे मिट्टी जो है वो डाल देंगे बढ़िया से, और फिर इसमें हम वाटरिंग कर देंगे, और फिर इसको हम 4-5 या 10 दिनों के लिए थोड़ा शेड एरिया में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा शेड एरिया में रहेगा तो इसकी पत्तियाँ जो है वो मुरझाएंगी नहीं, और ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा। तो अब हम इसमें पूरी मिट्टी जो है वो भर देते हैं, और ये देखिए पूरा हमने इतना मिट्टी भर दिया है, और थोड़ा सा ग्रो बैग को खाली रखा है, और फिर हम इसमें पूरा फुल वाटरिंग कर देंगे। और याद रखिए जब भी आप नया प्लांट लगाइए तो उसमें फुल वाटरिंग कीजिए। और इसमें ग्रो बैग में एक हमने ड्रेनेज होल किया हुआ है, तो यहाँ जहाँ हम पानी डाले थे तो वहाँ गड्ढा हो गया, तो थोड़ा सा वहाँ हम मिट्टी और डाल देंगे, और इसको हम 4-5 दिनों के लिए शेड एरिया में ही रखेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा बड़ा सा प्लांट तैयार हो जाएगा, और इसमें कली भी बनी हुई है, और इसमें कलियां ऐसे ही बनती ही रहेंगी, और ये प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव होगा। तो इस तरह से आप लोग भी एयर लेयरिंग की सहायता से प्लांट को लगा सकते हो, अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग चाहिए तो। जिस तरह से इसके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही थी, उस तरह से इसे लगाने के बाद भी तुरंत से फ्लावरिंग होने लगती है। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी आई, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उन लोगों को भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।